करेंगे रायगढ़ की, जहां पर नगर निगम कांग्रेस पार्षद और जिला अध्यक्ष का विवाद का जो मामला है गर्मा गया है। यहां पर महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष बरका सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है। बरका सिंह ने सोशल मीडिया पर अपना इस्तीफा जारी किया है। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलो देवी नेताम को अपना इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है। आपको बता दें, रायगढ़ महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष है बरका सिंह, जिन्होंने मंगल की रात को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे वहां की राजनीति और गर्मा गई है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ रायगढ़ से राजेश जैन जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। राजेश, यानी के ग्रुप के अंदर जो इस्तीफों की झड़ी लग गई है उसमें एक नाम और है, तो यानी कि ये एक तरफ जुट गई हैं ये सारी महिलाएं और सीधे सीधे चाहती हैं कि अब संजना शर्मा के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। जी देखिए, ये जो है 10 जनवरी से विवाद शुरू हुआ था बरका सिंह जो महिला कांग्रेस अध्यक्ष है और पार्षद संजना शर्मा के बीच में। उसके बाद जब नगर निगम में बरका सिंह ने आकर के संजना शर्मा के साथ में बदसलूकी की थी, जिसके बाद से पार्षदों ने बरका सिंह पर कार्रवाई करने के लिए जब अपने प्रदेश अध्यक्ष से भी आवेदन दिया था, शिकायत भी की थी, लेकिन आज पर्यंत कार्रवाई नहीं होने पर कल जो है संजना शर्मा के समर्थन में लगभग 17 पार्षदों ने इस्तीफा देने की घोषणा की थी। उसके बाद राजनीतिक दबाव आने पर देर रात जो है बरका सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है। बरका सिंह का कहना है कि काफी राजनीतिक दबाव होने की वजह से वह इस्तीफा दे रही है। ऐसे में अब कांग्रेस की अंतरकला जो है वो एकदम उभर करके सामने आ गई है और एक तरह से पार्षद वर्सेस संगठन हो गया है। जी आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि पिछले 1.5 महीने पहले, आपको बता दें कि महिला पार्षद संजना शर्मा के साथ विवाद के बाद महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष बरका सिंह का गाली गलौज करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था और शिकायत के बाद जांच हुई, लेकिन जिला अध्यक्ष पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन अब एक और जिला अध्यक्ष बरका सिंह ने देर रात अपना इस्तीफा सौंप दिया है।